Hey everyone, welcome to Coding Ninja's YouTube channel. This is Tripti and in this video, I'll be talking about how to become a time management ninja. So starting off, I would like to say set daily goals and that too, it should be realistic. अगर आप दिन की स्टार्टिंग में या फिर एक रात पहले अपने अगले दिन के लिए कुछ गोल सेट करते हो कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे उस दिन में अचीव करनी है एंड दैट टू रियलिस्टिक, ये नहीं अपने लिए 5, 6 या 10 चीज़ें ऐसे बना ली कि मुझे इसमें करना है, पॉसिबल ही नहीं है। जितना आप कर सकते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा या फिर उतना आपको गोल सेट करना है अपने लिए, रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं। एंड आई वुड सजेस्ट अपने एक दिन के लिए मैक्सिमम 1 या 2 गोल्स ऐसे रखा करो जो कि आपको करने ही करने हैं, कि एक दिन में मुझे 1 या 2 गोल्स इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है, उसके अलावा बाकी साइड की चीज़ें वो बाद में देख लेंगी, हमको ये दोनों गोल्स तो करने ही। सो ऐसे रियलिस्टिक गोल सेट करोगे तो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे जल्दी या फिर आसानी से होती चली जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। सेकेंड पॉइंट इज़ लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एट टाइम्स व्हाट हैपन्स कि लाइक हम कुछ गलत कर देते हैं या कुछ ऐसा गलत हो जाता है जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, सो उस चीज़ में आई वुड सजेस्ट उस पर बैठ के रोने से या उस पर फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है कि एक थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा ब्रेक लो एंड देन जस्ट गेट बैक टू इट, उससे सीखो क्या गड़बड़ हुई थी, क्या गलत हुआ था एंड स्टार्ट लाइक अफ्रेश। फिर से जो भी चीज़ आपने जहाँ पे छोड़ी थी उसको दोबारा पिक करके वहाँ से स्टार्ट करो। अगर उस पर स्टक रह जाओगे तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा जितना शायद आपने पहले नहीं करा था। सो या लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। Another point that I'd like to say is do time-bounded study. So बहुत सारी आपको techniques मिल जाएंगी, Pomodoro technique होती है, flow time journals आप maintain कर सकते हो या फिर अपने phone के features like Zen mode, इनको use करके आप अपनी time-bounded study कर सकते हो। Because जब आप time-bounded study करोगे तो आप कम time में effectively काम कर पाओगे, वरना आप normally एक चीज़ को 1 घंटे तक लेके बैठे हो लेकिन अगर वो सिर्फ 1/2 घंटे में भी हो सकती है तो वो चीज़ better रहती है। एंड इस चीज़ से एक्चुअली क्या होता है कि आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, तो टाइम बाउंडेड स्टडी अगर आप कर सकते हो सो यू कैन गिव इट अ शॉट, इट माइट हेल्प। अनदर थिंग इज कीप योर डिस्ट्रैक्शंस अवे, लाइक फॉर एग्जांपल आपके फोन्स हो गए, कोई और आपके गैजेट्स हैं, एनीथिंग दैट यू थिंक कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन लेती है आपके लिए उसको साइड रख दो, क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती हैं। आप जब एक काम कर रहे हो तो सिर्फ उसी पे फोकस करो, बाकी की डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख दो, बिकॉज अदरवाइज दैट माइट लीड टू अ लॉट ऑफ टाइम वेस्ट एंड उससे फ्रस्ट्रेशन भी होता है जो कि फर्दर आपका टाइम वेस्ट कर देता है ये चीज़ सोचने में कि आपने काम नहीं किया। सो अनदर पॉइंट दैट आईड लाइक टू से इज टेक इनफ ब्रेक्स एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ। सो एट टाइम्स अगर आप ये कोशिश करते हो ना कि मैं कंप्लीटली ही सिर्फ पढ़ाई या काम करूंगा एंड मैं कुछ और करूंगा ही नहीं, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो खुद को इनफ ब्रेक्स भी दो और खुद को रिवॉर्ड भी करो, कि जो आपके अंदर का वो छोटा सा पार्ट है दैट वॉन्ट्स टू हैव थोड़ा सा फन, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते रहो। कि अगर आपको बाहर खेलना पसंद है आप वो करने चले जाओ, इफ़ यू लाइक वॉचिंग सीरीज वॉच दैट, इफ़ यू वॉन्ट टू ईट आउट समवेयर या फिर कुछ भी आपको और कुछ करना है उसको भी करो एंड ब्रेक्स लो, जो भी आपको करना पसंद है ब्रेक्स वो भी काम करो। सो इससे क्या रहेगा, एक बैलेंस बना रहेगा, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगी ना ही कोई चीज़ कम अमाउंट में। सो इवन तो आप अपनी फन वाली चीज़ों पे भी टाइम इन्वेस्ट करोगे बट इवेंचुअली वो आपको और एफिशिएंट ही बनाएगी एंड इट विल हेल्प यू टू मैनेज योर टाइम मोर प्रॉपरली। लास्टली आई वुड लाइक टू से इज रिमेंबर स्ट्रेट लाइन इज नॉट ऑलवेज द फास्टेस्ट रूट, सो दैट इज़ वाई हमेशा सिर्फ एक ही काम को लगातार करते चलते रहना या फिर सुबह से रात तक एक्सपेक्ट करना मैं पढ़ता रहूँ या काम करता रहूँ इज नॉट ऑलवेज द फास्टेस्ट रूट। टेक योर टाइम, स्लोली ग्रेजुअली चीज़ें करो, समझते हुए चलते रहो। इवन इफ अगर आप उसे 2-3 महीने में लगा के कर रहे हो, जितना भी आपको टाइम लगता है फॉर द पर्टिकुलर चीज़, वो टाइम लग रहा है बट उस टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट कहलाएगा, नॉट डूइंग इट इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। सो या दीज वर द फ्यू पॉइंट्स दैट आई बिलीव माइट हेल्प यू इन बिकमिंग अ टाइम मैनेजमेंट निंजा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स और क्वेरीज। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।